तो दोस्तों आज की बारें बारें के इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं इस मूवी के बारे में जो कि एक एक्शन एक मूवी है एडवेंचर मूवी है जो हमें नेटफ्लिक्स पर सीधा देखने को मिली है ये डोजा जूस की शादी है और नेटफ्लिक्स पर कई मूवीज हमें देखने को मिल चुकी है चली फिर बात की जाए और साथ ही साथ ये अभी जो हमारी जिस मूवी के बारे में हम जान रहे हैं नान के इस मूवी के बारे में ये भी बड़े ही है

एक 2024 दक्षिण कोरियाई डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मायुंग मायूंग ने किया है जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म है इसमें मा डोंग सेओक, ली ही जून ली जून यंग और रो जियोंग जैसे सितारे हैं यह फिल्म कंक्रीट यूटोपिया की अगली कड़ी है और सियोल के भूकंप के बाद एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि में बदलने की कहानी पर आधारित है जहाँ कानून और व्यवस्था से लेकर सभ्यता तक सब कुछ ध्वस्त हो गया है दो यह फिल्म मूल नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है और 26 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी तीन चार कथानक सर्वनाश के बाद के सियोल में नाम सैन एक अथक बंजर भूमि शिकारी अपने दोस्त चोई जीवान और अन्य बचे लोगों के साथ अपने गांव में एक कठिन जीवन जी रहे हैं नाम सैन और जीवान अपने समुदाय को बनाए रखने के लिए उजाड़ बंजर भूमि पर रहते हैं और संसाधनों की तलाश करते हैं समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुना जो उनके गांव से है का एक दुष्ट वैज्ञानिक डॉ. यांग द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो अवैध रूप से मनुष्यों को एक निश्चित सीरम का इंजेक्शन देकर अमर बनाने का प्रयोग कर रहा था जिसके कारण मृत्यु हो गई कई किशोरों का गिस्ू को सीरम के लिए अधिक आपूर्ति की आवश्यकता थी और उसने एक अपार्टमेंट परिसर में अपने शिविर में अधिक किशोरों को लाने के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया था नामसैन जीवान और शिविर के एक सदस्य ली यून हो गीसु के प्रयोगों की खोज करते हैं और सुना को बचाने के लिए जाते हैं यह पता चला है कि गीसु अपनी बेटी सो योन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयोग कर रहा था जिसकी मृत्यु उस समय हुई थी जब सियोल बंजर भूमि बन गया था नामसैन जीवान और यून हो शिविर में पहुंचते हैं और निष्क्रिय सैनिकों से लड़ते हैं वे सुना को बचाने में कामयाब हो जाते हैं जबकि गीसु एक सूटकेस में सो योन के शव के साथ भाग जाता है हालांकि वह लोगों की भीड़ से घिरा हुआ है जो उसे पीट पीट कर मारने के लिए तैयार है भीड़ पर गोली चलाते समय उसने गलती से सूटकेस को नुकसान पहुंचाया जिससे सो योन की मौत हो गई नाम सैन गीसु को मार देता है और सुना और जीवान के साथ अपने गांव लौट जाता है कास्ट करें मुख्य नामसान के रूप में मां डोंग से उक, एक अथक बंजर भूमि शिकारी यांग गीसू के रूप में ली ही जून एक डॉक्टर जो आपदा से बच गया पांच चोई जीवान के रूप में ली जून यंग नामसान के भरोसेमंद साथी हान सुना के रूप में रो ज्योग ई एक साहसी लड़की जिसका गीसु द्वारा अपहरण कर लिया गया है छे ली यून हो एक विशेष बल सार्जेंट के रूप में अहन जी हे साथ समर्थन एक शिक्षक के रूप में जंग यंग नाम आठ ली हान जू ली जू ये के रूप में एक किशोर लड़की जिसका गीत सुने अपहरण कर लिया है टाइगर के रूप में यो जून नाम सान का पूर्व प्रतिद्वंद्वी सुना की दादी के रूप में सियोंग ब्योंग सुख उत्पादन फिल्म की योजना 14 नवंबर 2021 को कंक्रीट यूटोपिया के निर्माण के बाद शुरू हुई नौ फिल्मांकन 15 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और 18 मई 2022 को समाप्त हुआ 10 2 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि फिल्म का निर्देशन मार्शल आर्ट निर्देशक हेओ मायू हेंग द्वारा किया गया था और क्लाइमेक्स स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया था जिसमें बिग पंच पिक्चर्स और नोवा फिल्म सह निर्माता थे तीन विशेष बल सार्जेंट यून हो की भूमिका निभाने वाली एन जी हाय ने फिल्म में अपने निन्यानवे परसेंट एक्शन दृश्यों का प्रदर्शन किया जा रहा रिलीज मूवी थिएटर प्रवेश घोषणाओं के लिए कॉफिक के एकीकृत कंप्यूटर नेटवर्क के अनुसार बैडलैंड हंटर्स को 26 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था एक स्वागत दर्शकों की प्रतिक्रिया बैडलैंड हंटर्स अपनी रिलीज के ठीक एक दिन बाद नेटफ्लिक्स मूवी श्रेणी में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रही 12 और 22 से 28 जनवरी तक 14.3 मिलियन व्यूज के साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 साप्ताहिक सूची में पहले स्थान पर थी टीवी फिल्में गैर अंग्रेजी तेरह अहमियत भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 15 समीक्षाओं के आधार पर तिहत्तर परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग छह दशमलव एक बटा दस है चौदह रेडी स्टेडी कट में लिखते हुए रोमी नॉर्टन ने फिल्म को चार बटा पाँच रेटिंग दी और लिखा बैडलैंड हंटर्स शुरू से अंत तक रोमांचकारी है एक्शन खतरे क्रूरता और बढ़त हासिल करने के लिए थोड़े से हास्य से भरपूर है पंद्रह एसिंक्रोनस मीडिया के क्रिस्टोफर क्रॉस ने इसे तीन दशमलव पाँच बटा पाँच रेटिंग दी और कहा बैडलैंड हंटर्स के पास हाथापाई और करीबी मुकाबले की एक श्रृंखला को एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त गति है जो किसी भी एक्शन प्रशंसक को उत्साहित कर देगी सोलह मूवी नेशन के रोज़र मूर ने फिल्म को दो पाँच बटा चार का दर्जा दिया और कहा कहानी को पुनर्नवीनीकरण किया गया है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी के लिए भी दिलचस्पी का हो जिसने एक भी पोस्ट एपोकैलिक जोम्बी फिल्म देखी हो उन्होंने आगे कहा लेकिन एक्शन बीट्स हैं प्रथम श्रेणी लड़ाई कोरियोग्राफी अगले स्तर और बेकार की बातें शीर्ष ड्रॉयर भी फिल्म सारगर्भित है सत्रह द ट्रेट्स टाइम्स के वांगी लिंग ने फिल्म को तीन बटा पांच रेटिंग दी और लिखा डॉन ली सच्चे रूप में है एक पर्याप्त लेकिन आश्चर्यजनक स्टार वाहन में बुरे लोगों को मारते हैं मा डोंग सेओक, कोरियाई जन्म 1 मार्च 1971 को ली डोंग सेओक, जिन्हें डॉन ली के नाम से भी जाना जाता है एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है ट्रेन टू बुसान में अपने शानदार प्रदर्शन और उसके बाद की प्रमुख भूमिकाओं के साथ वह दक्षिण कोरिया के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बन गए हैं वह 2018 में गैलप कोरिया के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता थे तीन कैरियर माँ को द नेबर नेमलेस गैंगस्टर रूल्स ऑफ द टाइम और द अनजस्ट फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्धि मिली चार इसके बाद उन्होंने नोरीगे मर्डरर और वन ऑन वन में प्रमुख भूमिकाएं निभाई पांच छ जॉम्बी फिल्म ट्रेन टू बुसान में मां की भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई साथ इसके बाद फिल्मों में उनकी मुख्य भूमिकाएं डेरिल द दे ब्रोज द आउटलॉज अनस्टॉपेबल चैंपियन द गैंगस्टर द कॉप द दे डेविल द दे बैड गाइज रेन ऑफ कैओस और द राउंडअप के साथ साथ अलॉन विद द गॉड्स में सहायक भूमिकाएं रही द लास्ट उनचास डेज और एशफॉल को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसने उन्हें कोरियाई सिनेमा के मोस्ट बैंकेबल स्टार तक पहुंचाया। ८ सितंबर 2010 हज़ार दस ग्यारह हालांकि माँ को उनकी सख्त आदमी व्यक्ति वाली भूमिकाओं के लिए जाना जाता है लेकिन अक्सर उनकी फिल्मों में इसी तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए उन्हें मनाया जाता है और उनकी आलोचना की जाती है एक दो दो शून्य एक नौ में वह गिल्ग्मेश के रूप में एमसीयू फिल्म इटर्नल्स के कलाकारों में शामिल हुए जिसने उनकी हॉलीवुड की शुरुआत की तेरह टेलीविजन पर माको हिट ओसीएन श्रृंखला बैड गाइज और स्क्वाड अड़तीस में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है चौदह पंद्रह 2022 में मां ने एक अन्य बड़ी जापानी एजेंसी एलडीएच जापान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए सोलह उनकी 2022 रिलीज एक्शन क्राइम थ्रिलर द राउंडअप, उनकी 2017 की फिल्म द आउटलॉस की अगली कड़ी है जिसे न केवल सर्वसम्मत सकारात्मक समीक्षा मिली बल्कि 2019 के बाद पहली बार 12 मिलियन प्रवेश को पार करके 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अब तक तीसरी है दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 17 18 19 2024 में डाइस्टोपियन फिल्म बैडलैंड हंटर्स जिसमें मां बंजर भूमि शिकारी की भूमिका निभा रही है 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी बीस अन्य गतिविधियाँ 2016 में माँ अपने पश्चिमी नाम डॉन ली के तहत और अभिनय में आने से पहले माँ मिश्रित मार्शल कलाकार मार्क कोलमैन और केविन रैंडलमैन के निजी प्रशिक्षक थे 21 अपनी प्रोडक्शन कंपनी टीम गोरिल्ला के साथ 22 माँ वर्तमान में योजना बनाने और पटकथा लिखने में शामिल है उन्होंने फिल्म डीप ट्रैप की पटकथा पर काम किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया तेईस वह ड्रामेटिक सिनेमा श्रृंखला टीम बुलडॉग ऑफ ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन के सह निर्माता भी है चौबीस बाह कुश्ती डोंग डोंगसे व्यक्तिगत जानकारी जन नाम ली डोंग सेव उपनाम डॉन ली जन्म 1 मार्च 1971, उम्र बावन सियोल दक्षिण कोरिया, ऊंचाई 178 सेंटीमीटर (5 फीट 10 इंच वजन 90 पाउंड माँ पाउंड मां 2008 से एक शौकिया आम रेसलर रहे हैं और वह 2018 में कोरिया आम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने 25 व्यक्तिगत जीवन 2016 में मां कथित तौर पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और मीडिया पर्सनैलिटी ये जंग हुआ को डेट कर रहे थे 26 बीस -20 अक्टूबर 2022 को मां की एजेंसी ने कहा कि उन्होंने और ये ने पिछले साल अपनी शादी का पंजीकरण कराया था कोविड 19 महामारी और व्यस्त कार्यक्रम के कारण विवाह समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा सत्ताईस अट्ठाईस फिल्मोग्राफी मुख्य लेख मा डोंग से फिल्मोग्राफी पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग मनोनीत कार्य परिणाम संदर्भ 2012 हजार बारह ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पड़ोसी मनोनीत 2013 हजार तेरह बैक्सान कला पुरस्कार जीत गया उन्तीस 22वां बिल्ड फिल्म पुरस्कार मनोनीत सत्रह व पुचौन इंटरनेशन फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल यह पुरस्कार जीत गया 2016 हजार सोलह एपीएन स्टार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दस्ता अड़तीस मनोनीत पच्चीसवें बिल्ड फिल्म पुरस्कार पारिवारिकता मनोनीत सैतीस ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार बुसान को ट्रेन मनोनीत 2017 हजार सत्रह आठ कोफरा फिल्म पुरस्कार जीत गया तीस ग्यारह एशियाई फिल्म पुरस्कार मनोनीत तिरपन व बैक्साम कला पुरस्कार मनोनीत बाईस व चुनसा फिल्म कला पुरस्कार मनोनीत 2018 गोल्डन एग अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डाकू जीत गया इकतीस चौवन वे बैक्साम कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म मनोनीत बत्तीस तेईस व चुनसा फिल्म कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत तैतीस दूसरा कोरिया चीन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया चौंतीस 2022 सुंदर कलाकार पुरस्कार शिन यंग क्यून कला और संस्कृति फाउंडेशन फिल्म कलाकार पुरस्कार राउंडअप जीत गया पैंतीस नोवा कोरियाई फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत गया छत्तीस 2022 हजार बाईस अवार्ड्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घरेलू पांचवी सैतीस दो दूरदर्शी पुरस्कार ए 2023 दूरदर्शी जीत गया उनतालीस उनसठवें बैक्साम कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म राउंडअप मनोनी ली जून यंग कोरियाई जन्म 22 जनवरी उन्नीस जिन्हें जून के नाम से भी जाना जाता है एक दक्षिण कोरियाई गायक रैपर और अभिनेता है जून 2014 में उन्होंने यूकिस के सदस्य के रूप में शुरुआत की अक्टूबर 2017 में वह सर्वाइवल प्रोग्राम द यूनिट में शामिल हुए जिसमें वह पहले स्थान पर रहे और प्रोजेक्ट ग्रुप यूएनबी के सदस्य बन गए अपने समूह की गतिविधियों के अलावा उन्होंने विभिन्न टेलीविजन नाटकों में भाग लिया है विशेष रूप से एवेंजर्स सोशल क्लब 2017, जो उनके करियर की सफलता का प्रतीक है अलविदा टू गुड बाय दो क्लास ऑफ लाइज 2019, गुड कास्टिंग 2020, प्लीज डोंट डेट हिम 2020, इमिटेशन 2021 और लेट मी बी योर नाइट 2021 एक कैरियर 2014 करियर की शुरुआत 15 मई 2014 को एनएच मीडिया ने यूकेस की आधिकारिक कोरियाई वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए नए सदस्य जून की घोषणा की 2 जून 2014 को जून ने यूकिस के साथ अपनी शुरुआत की और समूह ने एल्बम के शीर्षक ट्रैक क्विट प्लेइंग के 19 प्लस रेटेड संगीत वीडियो के साथ अपना नोवा मिनी एल्बम स्कैंडल जारी किया 2017 वर्तमान अभिनय भूमिकाएं और यूएनबी 2017 में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एवेंजर्स सोशल क्लब में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की दो 28 अक्टूबर 2017 को ली उत्तरजीविता कार्यक्रम द यूनिट में शामिल हुए तीन उन्होंने अंतिम शीर्ष नौ में जगह बनाई और उन्हें नंबर एक चुना गया उन्होंने सात अप्रैल 2018 से 27 जनवरी 2019 तक यूएनबी के साथ प्रचार किया जिसमें शो के फाइनलिस्ट शामिल थे चार अप्रैल से मई तक ली एमबीसी के टीवी कार्यक्रम किंग ऑफ मास्क सिंगर में कंपास के रूप में दिखाई दिए उन्होंने इट वॉज़ लाइक दैट देन के लिए संग हुन के साथ एक युगल गीत और इरेजर का एक एकल कवर संस्करण प्रस्तुत किया 5-6 मई 2018 में उन्होंने एमबीसी टेलीविजन श्रृंखला गुडबाय टू गुडबाय 2018 मेहान मिनसू के रूप में अपनी दूसरी अभिनय भूमिका निभाई सात आठ और 2018 हजार एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में एक नया अभिनेता पुरस्कार प्राप्त किया 10 अप्रैल 2019 को ली ने अपना पहला जापानी एकल एकल फेनोमेनल वर्ल्ड जारी किया जिसने भविष्य की पॉप शैली की खोज की उन्होंने 4 फरवरी को टोक्यो में अपना पहला एकल प्रदर्शन किया रिलीज से पहले उन्होंने 6 अप्रैल को ओसाका में और 8 अप्रैल को टोक्यो में संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी आयोजित की 9 9-10 टॉवर रिकॉर्ड्स जापान ने 2019 की पहली छमाही में एक कोरियाई कलाकार द्वारा सात सबसे अधिक बिकने वाले जापानी एकल के रूप में फिनोमिनल वर्ल्ड को स्थान दिया ग्यारह बारह उन्होंने ओसियन टेलीविजन श्रृंखला का लॉस ऑफ लाइज में अभिनय किया जो 17 जुलाई से 5 सितंबर तक प्रसारित हुआ 13 छह नवंबर को उन्होंने अपने एकल एकल माई वे का कोरियाई और जापानी दोनों संस्करण जारी किया जिसके लिए उन्होंने गीत लिखे एकल में रैपर रेड्डी थे और इसे स्वेडी द्वारा निर्मित किया गया था और इसके साथ दो संगीत वीडियो भी थे 14 15 तीस अक्टूबर को डिजिटल डाउनलोड जारी होने के बाद जापानी संस्करण डवांगो जेपी के पॉप लाइफ साप्ताहिक एकल चार्ट पर दो स्थान पर रहा 16 16-28 नवंबर को उन्होंने अपना पहला कोरियाई एकल एकल टेल रिलीज किया 5 दिसंबर को उन्होंने कोरिया में शीर्षक ट्रैक क्यूरियस अबाउट यू और एकल एल्बम गैलरी के साथ अपनी एकल शुरुआत की 22 जनवरी 2020 को ली ने अपना पहला जापानी एल्बम 22 जारी किया जिसका शीर्षक ट्रैक कम अलाइव था 2020 में उन्होंने म्यूजिकल स्वैग एज शाउट आउट चोसुन में अभिनय किया और पांचवें कोरिया म्यूजिकल अवार्ड्स में एक नया अभिनेता पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने एसबीएस टेलीविजन श्रृंखला गुड कास्टिंग 2020 में कांग वू वोन की भूमिका निभाई जो पूरी तरह से पूर्व निर्मित थी और उन्होंने एसबीएस नाटक बैकस्ट्रीट रुकी में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की उस वर्ष बाद में ली ने एमबीसी एवरी एक नाटक प्लीज डोंट डेट हिम में अभिनय किया उन्होंने सिंगल टू यू टायर्ड के साथ प्लीज डोंट डेट हिम के साउंड ट्रैक में भाग लिया सात अक्टूबर को उन्होंने एक नया कोरियाई एकल आमीन रिलीज किया जिसने रैप और हिप हॉप में उनकी रुचि का पता लगाया 2021 में ली ने केबीएस नाटक इमिटेशन 2021 में एक प्रतिभाशाली मूर्ति के रूप में अभिनय किया वह सियोह्युन के साथ नेटफ्लिक्स फिल्म लव एंड लीशेस में शामिल हुए सत्रह और उन्हें नाटक डीपी और लेट मी बी योर नाइट में कास्ट किया गया अगस्त में एनएच मीडिया छोड़ने के बाद

इसी शीर्षक के एक मूल उपन्यास पर आधारित फिल्म में ली ब्यूंग हुन ली सुंगमिन डो वोन और ली ही जून ने कोरियाई सरकार और कोरियाई सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के उच्च पदस्थ अधिकारियों की भूमिका निभाई है उन्नीस में उनकी हत्या से 40 दिन पहले पार्क चुंगही की अध्यक्षता के दौरान तीन फिल्म का प्रीमियर 22 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया में हुआ जहां यह 4 फरवरी 2020 तक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही चार पाँच छः सात इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया आठ यह तिरानवे वे अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फ़ीचर फ़िल्म के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था 9 अक्टूबर 2011 सारांश 1970 के दशक में कोरिया राष्ट्रपति पार्क के पूर्ण नियंत्रण में था जो सरकार की किसी भी शाखा पर बढ़त रखने वाला संगठन केसीआईए को नियंत्रित करता था केसीआईए के निदेशक किमग्यू प्योंग लगभग दूसरे नंबर पर हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख से प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है भय के साम्राज्य के बीच केसीआईए के पूर्व निदेशक पार्क योंगक जो सरकार के अस्पष्ट और अवैध संचालन के बारे में सब कुछ जानते हैं निर्वासन में चले जाते हैं और अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देते हैं जिससे जा आज के द्वार खुल जाते हैं कोरिया गेट बारा जैसे जैसे तनाव बढ़ता है सत्ता चाहने वालों की दमघोंटू राजनीतिक चालें विस्फोटक ढंग से टकराने लगती हैं कथानक केसीआईए के पूर्व निदेशक पार्क योंगक संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट समिति की जांच में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क के खिलाफ गवाही देते हैं बारा पार्क द्वारा शासन पर अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने की धमकी के साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ने पार्क योंग गक को अपनी पांडुलिपि प्रकाशित करने से रोकने के लिए केसीआईए के वर्तमान निदेशक किम ग्यूप्योंग को भेजा किम वाशिंगटन जाती है जहां दोनों मिलते हैं और किम पार्क से पांडुलिपि की मांग करती है पार्क योंग गक ने इसे सौंप दिया लेकिन यह सुझा वह देकर राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार का संकेत दिया कि राष्ट्रपति पार्क को अपतटीय स्विस खातों द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित किया जा रहा है अपना मिशन पूरा करने के बाद किम दक्षिण कोरिया लौट आता है और परिणामस्वरूप उसे राष्ट्रपति पार्क के अंदरक्षक क्वाकसाम चेयो के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ता है राष्ट्रपति पर एक टैपिंग साजिश का पता चला है और किम को एक प्रोफेसर पर संदेह हो गया है जो राष्ट्रपति के कार्यालय में तलाशी के समय मौजूद था पूछताछ के माध्यम से किम को पता चला कि केसीआई एजेंट ने उसके आदेश के बिना काम किया है वह स्थिति की आगे की जांच के लिए एक एजेंट हैम योंग को पेरिस भेजता है पेरिस में वायर टैपिंग के माध्यम से हैम को पता चलता है कि केसीआईए एजेंट अपने दम पर काम नहीं कर रहा था बल्कि क्वाक के आदेशों के तहत काम कर रहा था इसके माध्यम से यह पता चला कि क्वाक ने पूर्व निदेशक पार्क की हत्या का आदेश दिया है जो पेरिस का दौरा करेंगे इस समय के दौरान राष्ट्रपति पार्क निर्देशक किम को पूर्व निदेशक के साथ जो चाहे करने की आज़ादी देता है किम क्वांक से पराजित नहीं होने के लिए पार्क योंग को मारने का संकल्प लेता है पेरिस में पूर्व निदेशक पार्क की हत्या के उद्देश्य से दो अलग अलग टीमें उन्हें मारने की तैयारी करती है क्वाक की टीम पार्क को अपने कमरे में फुसलाना चाहती है जबकि किम की टीम उसका अपहरण करना और फिर उसे मार डालना चाहती है पार्क योंग गक के सहयोगी देबोरा शिम जिसे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है की मदद से निदेशक किम की टीम पहले पूर्व निदेशक पार्क को पकड़ने में सक्षम है और उसे पेरिस से बाहर निकाल देती है हालांकि पार्क क्षण भर के लिए पास के शहर में भागने में सक्षम है लेकिन हैम उसका पता लगा लग। एता है जो तुरंत उसे मार देता है उसने पार्क यौंगक के शरीर को एक हथौड़ा मिल में पीस दिया जो एक मुर्गी फार्म की चक्की है और इसे मुर्गी के चारे में बदल दिया गया हालांकि पार्क किम के संचालन से नाखुश है यह देखते हुए कि किम ने पार्क यौंगग द्वारा प्राप्त किए गए स्पष्ट रूप से चुराए गए वित्त की समस्या का समाधान नहीं किया परिणामस्वरूप राष्ट्रपति पार्क के साथ किम की दोस्ती और खराब हो गई और पार्क ने किम पर अविश्वास करना शुरू कर दिया किम जो हत्या से बुरी तरह टूट गई है क्योंकि पूर्व निदेशक उसका दोस्त था तनाव में टूटने लगता है पूर्व निदेशक पार्क की हत्या के कुछ समय बाद राष्ट्रपति पार्क और उनके प्रशासन को बुसान और मसान में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के रूप में एक नए मुद्दे का सामना करना पड़ा साथ ही यह भी डर था कि ये विरोध प्रदर्शन सियोल तक फैल सकते हैं क्वाक एक कठोर रुख अपनाता है कठोर और त्वरित सैन्य हस्तक्षेप और मार्शल लॉ की घोषणा की सलाह देता है किम अधिक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देता है और पार्क से मार्शल लॉ घोषित करने से बचने का आग्रह करता है पार्क क्वाक का पक्ष लेते हुए मार्शल लॉ की घोषणा के साथ आग ए बढ़ता है इसके बाद किम को बताया गया कि पार्क एक भोज आयोजित कर रहा है लेकिन उसने उसे नहीं बल्कि क्वाक को आमंत्रित किया है किम वैसे भी पार्क और क्वाक के बारे में सुनने जाती है और उसे पता चलता है कि पार्क किम की जगह लेने पर विचार कर रहा है फिर भी पार्क एक अधीनस्थ को उनकी इच्छानुसार कार्य करने की मंजूरी देता है इस बार अधीनस्थ क्वाक है 26 अक्टूबर को पार्क सैपज्ञों में एक बांध के लिए रिबन काटने का समारोह आयोजित कर रहा है किम उसके और क्वाक के साथ हेलीकॉप्टर में शामिल होने का प्रयास करता है लेकिन क्वाक उसे शामिल होने से रोकता है क्रोधित होकर किम कुछ योजना बनाने के इरादे से अपने अधीनस्थों को बुलाता है उस रात पार्क ने किम को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया इसका उद्देश्य एक प्रकार की माफी मांगना है लेकिन किम इससे प्रभावित नहीं है रात्रि भोज के दौरान किम पिस्तौल लेने के लिए निकलता है और अपने अधीनस्थों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह पार्क को मार डालेगा कमरे में लौटने पर बातचीत गर्म हो जाती है इसकी परिंती किम द्वारा क्वाक को गोली मारकर घायल करने से होती है फिर वह पार्क पर हमला करता है और उसे भी गोली मार देता है बारह जैसे ही ऐसा होता है किम के अधीनस्थ उस परिसर पर एक समन्वित हमले का आयोजन करते हैं जहां रात्रिभोज आयोजित किया जा रहा है और शेष अंरक्षकों को मार देते हैं किम क्वाक को खत्म करने का प्रयास करता है लेकिन पिस्तौल जाम हो जाती है और उसे एक एजेंट से दूसरी बंदूक लेने के लिए कमरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है इस समय लाइट बंद हो जाती है और फिर वापस आ जाती है वह कमरे में लो। तता है, क्वाक की गोली मारकर हत्या कर देता है और पार्क के सिर पर गोली मारकर हत्या कर देता है किम हमले के दौरान परिसर में मौजूद अपने अधीनस्थ हो और प्रतिष्ठित लोगों के साथ जल्दी से निकल जाता है उन्हें नामसन या सेना मुख्यालय जाने के बीच विकल्प दिया गया है हत्या के गवाह मुख्य राष्ट्रपति सचिव ने उन्हें सेना मुख्यालय जाने का सुझाव दिया किम का मानना है कि इसकी वजह से स्क्रीन काली हो जाती है स्क्रीन काली होने के बाद एक उपशीर्षक दिखाई देता है कि किम ग्यू प्योंग को सेना मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया था और राष्ट्रपति की हत्या के दोषी के रूप में फांसी दी गई थी फिल्म एक पार्ट के साथ समाप्त होती है जिसमें कहा गया है कि किम ने सेना मुख्यालय जाने का विकल्प चुना जहां वह पकड़ा गया था और चुन ह्वान की आवाज चुन डूह्यू की वास्तविक मॉडल और किम जे ग्यू की आवाज किम ग्यू प्योम की वास्तविक मॉडल दिखाई देती है कास्ट करें किम ग्यू प्योम के रूप में ली ब्यूंग हुन किम जे ग्यू पर आधारित काल्पनिक मुख्य पात्र जिन्होंने उन्नीस से उन्नीस तक आठवें केसीआईए निदेशक के रूप में कार्य किया राष्ट्रपति पार्क के रूप में ली सुंगमिंग दक्षिण कोरिया के तीसरे राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के ग्यारहवें राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के पिता पार्क चुंगही पर आधारित तेरा। पार्क योंग गक के रूप में क्वाक डो वोन किम ह्योंग यूके पर आधारित चरित्र बारह जनों ने उन्नीस से उन्नीस तक केसीआईए के चौथे निदेशक के रूप में कार्य किया क्वाकसांग च्योन के रूप में ली ही जून चाजी च्योलको पर आधारित चरित्र जिन्होंने राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के तीसरे निदेशक के रूप में कार्य किया था किम सो जिन एक पैरवीकार देबोरा शिम के रूप में चुनडू ह्युक के रूप में सेओ ह्यून केसीआईए के दसवें निदेशक और रक्षा सुरक्षा कमान के प्रमुख चुन डू वान पर आधारित चरित्र जो बाद में दक्षिण कोरिया के पांचवें राष्ट्रपति बने किम गे हून के रूप में पार्क जी इल किम गे वोन को पर आधारित चरित्र पाँचवें केसीआईए निदेशक जिन्होंने कोरिया गणराज्य सेना के अठारहवें चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया जंग सेउंग हो के रूप में किम मिन सांग जेओंग से हुआ पर आधारित चरित्र जिन्होंने कोरिया गणराज्य सेना के 22वें चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था कांग चांग सू के रूप में पार्क सियोन्ग्यूंग एक केसीआईए अधिकारी और सेना कर्नल पार्क को पर आधारित चरित्र महिला गायिका के रूप में जंग मिह्युंग, सिमसू बोंग पर आधारित चरित्र महिला विश्वविद्यालय छात्रा के रूप में जो हाई जू शिनजे सून कोरियाई पर आधारित चरित्र केसीआईए एजेंट हैम डे योंग के रूप में जी ह्यून जून एरिक बर्नार्ड फ्रांसीसी गुर्गे के रूप में डेविड पाइप सुनवाई समिति दो के सदस्य के रूप में चौदह स्वागत यह फिल्म जापान में केसीआईए नाम से 22 जनवरी 2021 को रिलीज हुई थी पंद्रह आलोचनात्मक स्वागत द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट को समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमैटोज पर सत्रह समीक्षाओं के आधार पर सात पांच बटा दस के औसत के साथ अट्ठासी परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है द ड्रग किंग कोरियाई हंजा आर आर मायाक्वांग एक 2018 दक्षिण कोरियाई अपराध ड्रामा फिल्म है जिसे वो मिन हो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है चार पाँच छः इसमें सौंग काम होने ली सैम की भूमिका निभाई है जो एक साधारण छोटे समय का नशीले पदार्थ का व्यापारी है जो 1970 के दशक के दौरान कोरिया में एक कुख्यात ड्रग माफिया बन जाता है फिल्म में जो जंग सुक को सियोल के एक अभियोजक के रूप में दिखाया गया है जो ली को नीचे ले जाने का इरादा दा रखता है और बेडोना एक पैरवीकार के रूप में है जो ली को नशीली दवाओं के सौदे के ऊपरी स्तरों पर मार्गदर्शन करता है अन्य कलाकारों में किम दे म्यूंग किम सो जिन ली ही जून जो जिन और यू जे मून शामिल है सात आठ फिल्म 19 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी 9 अक्टूबर 2011 12 कथानक 1970 के दशक में बुसान के अपराध जगत में अपना साम्राज्य बनाने वाले एक ड्रग तस्कर ली सैम ली सून की सच्ची जीवन कहानी ली मूल रूप से ह्वांगे प्रांत के बुसान में चिलसुंग गुट के सदस्य थे 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने हीरे और अन्य उत्पादों की तस्करी की और अंततः इसे घरेलू वितरण के लिए दवाओं तक विस्तारित किया और इसे जापान में भी निर्यात किया इस प्रकार इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में धन जमा हुआ तेरह कास्ट करें मुख्य ली डू सैम, हंगुल आई डू सैम के रूप में सॉन्ग कांग हो बुसान दक्षिण कोरिया का एक कोरियाई ड्रग माफिया और फिल्म का मुख्य नायक चौदह पंद्रह किम इनगु हंगुल जिम इनगो के रूप में जो जंग सुख एक वैध अभियोजक और ली डू सैम के मुख्य प्रतिद्वंद्वी। 16. किम जियोंग आह हंगुल जिम जियोंग ए के रूप में बेडूना एक शक्तिशाली सोशलाइट लॉबिस्ट और डू सैम का प्रेमी 17. समर्थन ली डू ह्वान के रूप में किम दे म्यूंग हंगुल आई डू ह्वान ली डू सैम का छोटा चचेरा भाई और साथी ड्रग तस्कर सुंग सुक क्यूंग हंगुल सुक ग्योंग के रूप में किम सो जिन एक उपदेशक की बेटी और ली डू सैम की पत्नी ली ही जून चोई जिन पिल के रूप में हंगुल चो जिन पिल एक नाव कप्तान तस्कर और ली डू सैम ड्रग साम्राज्य का सहयोगी से मुख्य प्रतिद्वंद्वी बना जो सेयोंग कांग हंगुल जो सेयोंग गैंग के रूप में जो जिन एक गैंगस्टर बॉस और एक शक्तिशाली कोरियाई माफिया का नेता किम सून प्योंग के रूप में यू जे मून हंगुल जिम प्योंग बटाने होंगो किमो सनप्योन ओसाका जापान में स्थित एक जैनिची कोरियाई याकुजा बॉस और हिदेकी का सहयोगी यू जे म्योंग चीफ किम के रूप में एक जासूस जो सैम के ड्रग साम्राज्य के खिलाफ ऑपरेशन का नेतृत्व करता है यू कांग शिकिग के रूप में ली जोंग ओके हंगुल यून गैंग सिग निर्देशक गु के रूप में चोई देओक मून संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में सोंग यंग चांग संयुक्त राष्ट्र का एक भ्रष्ट कोरियाई राजदूत जिस पर एक गैंगस्टर होने का आरोप है बेग वून चांग के रूप में किम हे गौन हंगुल बेग अन चांग वांग मून हो के रूप में पार्क जीहवांग हंगुल वांग मुन हो बटा चीनी वांग वेनहाओ, एक चीन कोरियाई ड्रग तस्कर और डू सैम के ड्रग गिरोह का सदस्य ली डू सूक के रूप में ली बोंग रयून हंगुल आई डू सुग चीफ हैम के रूप में चोई ग्वी हुआ ली क्यूंग जा के रूप में पार्क क्यूंग है हंगुल आई ग्योंग जा हिदेकी के रूप में केजरो मत्सुशिमा निहोंगो हिदेकी ओसाका जापान का एक याकुजा गैंगस्टर विशेष उपस्थिति ना हुन सेयोसु गौन के रूप में हंगुल सेओसुगौन बटा निहोंगो सोसुगौन कोबे जापान में जैनिची कोरियाई याकुजा बॉस वतनबे अध्यक्ष जिन के रूप में निहोंगो जिन काइचो टोक्यो जापान के एक याकूब बॉस हुन के रूप में ली सुंग मिन हंगुल सेओ सेओसंग प्रोफेसर बेग के रूप में किम होंग फा, एक रहस्यमय और प्रसिद्ध मेथ निर्माता मई 2019 में हान 2018 में हान ने फिल्म मिस बेक में मुख्य नायक की भूमिका निभाई एक पूर्व दोषी जो सामाजिक कलंक के कारण भावनात्मक रूप से बंद हो गया है अट्ठाईस फिल्म में हान के प्रदर्शन ने उन्हें प्रतिष्ठित ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और बैक्सान आर्ट्स अवार्ड्स के साथ साथ अन्य प्रमुख पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया उनतीस तीस उसी वर्ष वह रोमांस फंतासी ड्रामा फेमिलियर वाइफ के साथ छोटे पर्दे पर लौटी जिसमें उन्होंने क्रोध प्रबंधन के मुद्दों वाली एक साधारण पत्नी की भूमिका निभाई इकतीस 2019 में हान ने दो टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया जीवन का हिस्सा मेलोड्रामा द लाइट इन योर आइज बत्तीस और रोमांस मेलोड्रामा वन स्प्रिंग नाइट तैतीस चौंतीस इसके बाद वह 2021 में क्वाक जे योंग की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए ईयर एंड मेडले 35 और 2022 में टीवीएन टेलीविजन श्रृंखला अवर ब्लूज में दिखाई दी छत्तीस 2023 में उन्होंने JTBC के बिहाइंड योर टच में एक पशु चिकित्सक की भूमिका निभाई जो साइकोमेट्रिक शक्तियां हासिल करता है व्यक्तिगत जीवन सक्रियता और दान सियोल महिला विश्वविद्यालय से एक सामाजिक कल्याण प्रमुख हान को व्यापक रूप से स्वयंसेवी कार्यों और फंड ड्राइव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जाना जाता है ज्यादातर राहत संगठन ज्वाइन टुगेदर सोसाइटी के माध्यम से 2009 में उन्होंने वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स हान जी मिन की फिलीपींस डोनेशन बुक नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें फिलीपींस के एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में एक गांव के स्कूल में मदद करने में बिताए गए समय की कहानियां और चित्र शामिल है सैतीस इसके बाद उन्होंने उत्तर कोरिया और एशिया के विकास शील देशों में बच्चों की शिक्षा के वित्तपोषण में मदद के लिए सारी रॉयल्टी दान कर दी अड़तीस दो में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया था उनतालीस आठ मार्च 2022 को हान ने यूनिसेफ के लिए कोरिया समिति के माध्यम से रूसी आक्रमण में यूक्रेनी पीड़ितों की मदद के लिए 100 मिलियन का दान दिया चालीस छ मई 2022 को हान ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठन जेटीएस जॉइंट टुगेदर सोसाइटी को 50 मिलियन का दान दिया इकतालीस तीन जून 2022 को हान्यूनिसेफ ऑनर्स क्लब के सदस्य बने बयालीस ग्यारह अगस्त 2022 को हान ने कोरिया के सियोल कम्युनिटी चेस्ट कोरिया के सियोल फ्रूट के माध्यम से 2022 दक्षिण कोरियाई बाढ़ में सहायता के लिए विकलांग गृह को 50 मिलियन का दान दिया तैतालीस ली हुन कोरियाई उन्नीस 12 जुलाई 1971 एक एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है उन्हें विभिन्न शैलियों में अपने काम के लिए प्रशंसा मिली है विशेष रूप से संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र 2000, ए बिटर स्वीट लाइफ 2005 अच्छा बुरा अजीब 2008 मैंने शैतान को देखा 2010 बहाना 2012 और टेलीविजन श्रृंखला आयरिस 2009 और मिस्टर सनशाइन 2018 उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म इनसाइड मेन, 2015 ने उन्हें तीन सबसे प्रतिष्ठित दक्षिण कोरियाई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता बावन वे बैक्सान कला पुरस्कार सैंतीसवें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और तिरपन वे ग्रैंड बेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ली की सात फिल्में हैं ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया द गुड द बैड द वियर्ड मास्करेड मेन मास्टर एशफॉल और द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट ली 2012 में फिल्म डिवीजन में और 2018 में टेलीविजन डिवीजन में गैलप कोरिया के वर्ष के अभिनेता थे 2 मार्च 2021 में वह नेटफ्लिक्स हिट सर्वाइवल श्रृंखला स्क्विड गेम में फ्रंट मैन के रूप में एक वर्ती भूमिका में दिखाई दिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 और इसके सीक्वल जी जो रिटालिएशन 2013 में स्टॉम शैडो को चित्रित करने और रेड दो 2013 में ब्रूस विलिस के साथ अभिनय करने के लिए जाना जाता है उन्होंने टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में टी 1000 और द मैग्निफिसेंट सेवन 2016 में बिली रॉक्स की भूमिका निभाई ली लॉस एंजल्स में वार्षिक अकादमी पुरस्कारों में ऑस्कर प्रस्तुत करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे और अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य हैं चार लीटर और अहमसू उनकी हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ग्रूमैन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान छापने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे कैरियर शुरुआत और सफलता ली का करियर 1991 में केबीएस प्रतिभा ऑडिशन और टेलीविज़न नाटक दामर माई होमटाउन में अपनी शुरुआत के बाद शुरू हुआ पांच लीटर ने एक्शन ड्रामा एसफार्ट मैन और रोमांटिक फिल्म द हारमोनियम इन माई मेमोरी से ध्यान आकर्षित किया छह लेकिन 2000 में ही उन्हें पार्क चान वूक के ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया से बड़ी सफलता मिली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई साथ एक सीमा रक्षक सैनिक के रूप में ली की भूमिका ने उन्हें बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया वैश्विक स्टार्डम 2001 में जब ली ने मेलोड्रामा ब्यूटीफुल डेज और बंजी जंपिंग ऑफ देयर ओन में अभिनय किया तब उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही आठ दो हजार तीन में पोकर ड्रामा ऑल इन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें SBS ड्रामा अवार्ड्स में ग्रांड पुरस्कार और बैक्सान आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला नौ अपनी फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं के कारण ली ने पूरे एशिया विशेषकर जापान में लोकप्रियता में वृद्धि का अनुभव किया दस ग्यारह 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2005 से ली ने फिल्म पर ध्यान केंद्रित किया और किम जी वून द्वारा निर्देशित ए बिटर स्वीट लाइफ में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की बारह तेरह जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था चौदह लीटर को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था और चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स बैक्सांग आर्ट्स अवार्ड्स और कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में जीत हासिल की ली ने निर्देशक किम जी वून के साथ किमची वेस्टर्न द गुड द बैड द वियर्ड में अपनी पहली खलनायक की भूमिका निभाई पंद्रह फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया सोलह फिल्म में ली के आकर्षक प्रदर्शन के कारण उन्हें वैश्विक पहचान मिली सत्रह इससे ली की हॉलीवुड में शुरुआत हुई जहां उन्होंने जीआईजो जो द राइज ऑफ कोबरा में स्टॉम शैडो की भूमिका निभाई जिसमें चैनिंग टैटम और सिएना मिलर भी थे अठारह उन्नीस कोरिया में वापस ली अमेरिकी अभिनेता जोश हार्टनेट और जापानी अभिनेता ताकुया किमुरा के साथ आई कम विद द रेन में दिखाई दिए 20 ली 2009 के अंत में जासूसी एक्शन थ्रिलर आयरिस में एक गुप्त एजेंट के रूप में टेलीविजन पर लौटे जो खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के केंद्र में पाता है 21 कथित तौर पर उन्हें अपनी भूमिका के लिए प्रति एपिसोड 100 मिलियन से अधिक जीते गए जो देश के नाटक इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार था बाई साइरिस अब तक निर्मित सबसे महंगे शो में से एक था और पूरे एशिया में जबरदस्त हिट था तेईस चौबीस लीटर के प्रदर्शन ने उन्हें केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार और बैकसांग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभी नेता का पुरस्कार दिलाया पच्चीस छब्बीस दो में ली ने चोई मिन सिक के साथ आई सॉ द डेविल में अभिनय किया सत्ताईस किम जी वून के साथ उनका तीसरा सहयोग जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ 28 खुफिया एजेंट के उनके चित्रण ने उन्हें बैक्सान कला पुरस्कार में ग्रांड पुरस्कार दिलाया 29 प्रशंसा और हॉलीवुड भूमिकाएं ली को भव्य पीरियड ड्रामा मास्करेड में दोहरी भूमिकाओं के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली तीस यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही कोरियाई इतिहास में 10 मिलियन प्रवेश को पार करने वाली सातवीं फिल्म बन गई इकतीस लीटर ने अपने प्रदर्शन के लिए ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता बत्तीस तैतीस तेईस जून 2012 को ली अहम की के साथ हॉलीवुड लॉस एंजल्स में ग्रुमैन के चीनी थिएटर के प्रांगण में अपने हाथ और पैरों के निशान छोड़ने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए जी आई जो द राइज ऑफ कोबरा और इसक सीक्वल जी आई जो रिटालिएशन में स्टॉम शैडो की भूमिका के लिए उन्हें हॉलीवुड में एक उभरते सितारे के रूप में पहचाना गया चौतीस जी आई जो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर में 2013 में ली ने जीआईजो जो रिटेलिएशन में स्टॉम शैडो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई पैंतीस छत्तीस इसके बाद उन्होंने ब्रूस विलिस कैथरीन जेटा जोन्स हेलेन मिरेन और जॉन मेलकोविच के साथ 2010 की एक्शन कॉमेडी हिट रेड की अगली कड़ी अमेरिकी फिल्म रेड दो में सा अभिनय किया सैतीस अड़तीस अपने सेक्स चैट स्कैंडल के बाद ली ने 2015 में मार्शल आर्ट फिल्म मेमोरीज ऑफ दस स्वॉर्ड के साथ वापसी की फिल्म की शूटिंग 2013 के अंत में हुई थी और 2014 में रिलीज होने वाली थी लेकिन ली के स्कैंडल के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था उनतालीस एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा के रूप में उनकी दृश्य चोरी की भूमिका के लिए उन्हें प्रशंसा मिली लेकिन फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही और इसके गंदे कथानक के लिए उनकी आलोचना की गई चालीस उसी वर्ष ली ने अर्नोल्ड श्वार्जनेगर के सामने टर्मिनेटर जेनेसिस में टी दस शून्य शून्य की भूमिका निभाई इकतालीस बयालीस इसके बाद उन्होंने वुमेन हो की राजनीतिक अपराध थ्रिलर मेन में, में अभिनय किया 43 जो कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली आर रेटेड फिल्म बन गई चवालीस फिल्म के स्टार कहे जाने वाले ली को आलोचकों की प्रशंसा मिली और विभिन्न फिल्म पुरस्कार समारोहों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला पैंतालीस छियालीस दो में ली ने अमेरिकी अपराध थ्रिलर मिसकंडक्ट में अभिनय किया सैंतालीस अड़तालीस अट्ठाइस फरवरी 2016 को ली ने अठासीवें अकादमी पुरस्कार में भाग लिया और अभिनेत्री सोफिया वर्गारा के साथ सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया वह ऑस्कर में पुरस्कार प्रस्तुत करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता थे उनचास पचास उसी वर्ष ली ने डेंजल वाशिंगटन क्रिस प्रैड और एथन हॉक के साथ द मैग्निफिसेंट सेवन में चाकूधारी बंदूकधारी बिली रॉक्स के रूप में सह अभिनय किया इक्यावन बावन कोरिया लौटकर ली ने अपराध थ्रिलर मास्टर में अभिनय किया तिरपन चौवन उसके बाद रहस्य नाटक सिंगल राइडर में अभिनय किया पचपन छप्पन मार्च 2017 में ली ने प्रमुख हॉलीवुड एजेंसी यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए सत्तावन उन्हें हॉलीवुड एक्शन फिल्म रेडियंस में लिया गया था फिल्म का निर्देशन पैट्रिक लूसियर ने किया है जिन्होंने ली के साथ टर्मिनेटर जेनेसिस में काम किया था अट्ठावन इसके बाद ली ने ऐतिहासिक महाकाव्य द फोर्ट्रेस उनसठ साठ और कॉमेडी ड्रामा फिल्म कीज टू द हार्ट में अभिनय किया इकसठ बासठ टेलीविजन पर वापसी और प्रशंसा जनवरी 2019 में 2018 में ली ने किम यूनसुक द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक युद्ध नाटक मिस्टर सनशाइन में टेलीविजन पर वापसी की तिरसठ श्रृंखला व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही और ली ने 6वें एपीएन स्टार अवार्ड्स में ग्रैंड पुरस्कार जीता चौसठ 2019 में ली ने एक्शन फिल्म ऐशफॉल में अभिनय किया छः पाँच छः दो शून्य दो शून्य में ली ने राजनीतिक नाटक द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट में अभिनय किया सड़सठ दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मुख्य अभिनेता के रूप में ली की ब्रांड शक्ति साबित हुई अड़सठ लीटर ने राजनीतिक थ्रिलर विमानन आपदा फिल्म इमरजेंसी डिक्लेरेशन में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर 3 अगस्त 2022 को दक्षिण कोरिया में नाटकीय रिलीज से पहले जुलाई 2021 में चौहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर हुआ सत्तर सितंबर 2021 में वह नेटफ्लिक्स के सर्वाइवल ड्रामा स्क्विड गेम में फ्रंटमैन के रूप में दिखाई दिए इकहत्तर पंद्रहवें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में उन्हें एशियाई फिल्म उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले पहले कोरियाई अभिनेता है जो एशियाई सिनेमा और संस्कृति में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है बेहतर। 2022 में ली ने नो ही क्यूंग द्वारा लिखित टीवी एंड टेलीविजन श्रृंखला अवर ब्लूज में अभिनय किया तिहत्तर वह पार्क बो यंग और पार्क सियो जून के साथ उमताए हवा की आपदा थ्रिलर फिल्म कंक्रीट यूटोपिया में भी दिखाई देंगे चौहत्तर चौदह सितंबर 2023 को ली टीसीएल चीनी थिएटर में अपने छाप समारोह में रॉक स्टार योशिकी का परिचय देने के लिए चुने गए अतिथि वक्ताओं में से एक थे पचहत्तर अन्य कार्य ली ने एक प्रबंधन कंपनी Bh एंटरटेनमेंट बनाई जो हान ह्योजू गोसु, जिनगु जिनयोंग और हान जी मिन सहित कई अभिनेताओं का प्रबंधन करती है छिहत्तर उनकी एक दुकान है Bhnc, जो टोपी स्कार्फ और बटुए बेचती है सतहत्तर ली ब्योन्गहुन को वीडियो गेम उद्योग में एक्सबॉक्स 360, सौ तीन और पीसी के लिए 2006 के गेम लॉस्ट प्लेनेट एक्सट्रीम कंडीशन में मुख्य पात्र वेन होल्डन के लिए अपनी समानता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अठहत्तर राजदूत भूमिकाएं 2010 में लीको कोरिया में कैलिफोर्निया का पर्यटन प्रचार राजदूत नामित किया गया था उनासी 2013 में ली को एसोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशन की उस वर्ष की वार्षिक बैठक के लिए मानद राजदूत के रूप में चुना गया था जो एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन को सुविधाजन बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है अस्सी उसी वर्ष उन्हें 50वें डेजोंग फिल्म पुरस्कारों को बढ़ावा देने के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया था इक्यासी परोपकार मार्च 2011 में ली ने जापान में भूकंप और सुनामी से प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद के लिए कोरियाई रेड क्रॉस को 700 मिलियन वोन का दान दिया बयासी नवंबर 2016 में ली ने बीमार बच्चों के समर्थन के लिए एक अभियान हरू के लिए ग्रीन अम्ब्रेला चिल्ड्रंस फाउंडेशन को आवाज दान दिया तिरासी अप्रैल 2019 में ली और उनकी पत्नी ली मिन जंग ने गैंगवोन डो में जंगल की आग के पीड़ितों को 100 मिलियन का दान दिया चौरासी फरवरी 2020 में ली ने कोरिया के कम्युनिटी चेस्ट के फ्रूट ऑफ लव के माध्यम से 100 मिलियन का दान दिया और उनके दान का उपयोग कमजोर समूहों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए किया गया उन्नीस अक्टूबर 2020 में ली ने द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज द्वारा मल्टीमीडिया प्रकार की ब्रेल संवेदी पुस्तक के लिए आवाज दान किया तीस दिसंबर २०२० को ली ने कम आय वाले परिवारों के बच्चों की मदद करने के लिए ग्रीन अम्ब्रेला चिल्ड्रंस फाउंडेशन को १०० मिलियन वॉन का दान दिया जिन्हें सीओवीआईडी उन्नीस के कार में जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सत्तासी 12 जुलाई 2021 को ली ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सियोल के आसन चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 100 मिलियन वोन का दान दिया अट्ठासी 6 मार्च 2022 को ली ने उलजिन और सैमचोक जंगल की आग से प्रभावित निवासियों की मदद के लिए होप ब्रिज डिज़ास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन वोन का दान दिया और कहा जाता है कि उनके दान का उपयोग उन पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो अपने घरों से निकल रहे हैं नवासी व्यक्तिगत जीवन ली का जन्म सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था उनकी एक छोटी बहन ली यून ही है जिन्होंने उन्नीस में मिस कोरिया का मिस कॉन्गेनियलिटी भाग जीता था छह उन्होंने हयांग विश्वविद्यालय से फ्रेंच साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और चुंग आंग विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थिएटर और सिनेमेटोग्राफी पांच नब्बे अपने खाली समय में ली ताइकवोंडो का अभ्यास करते हैं इक्यानवे बानवे रिश्ते ली पहले 2000 के दशक की शुरुआत में साथी ऑल इन लीड सॉन्ग है क्यों के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे हालांकि यह रिश्ता पूरी तरह से गुप्त रखा गया और शायद ही कभी प्रचारित किया गया लेकिन जून 2004 के मध्य में अलग होने से पहले यह पंद्रह महीने तक चला तिरानवे लीटर ने 10 अगस्त 2013 को ग्रैंड हयात सियोल में अभिनेत्री ली मिन जंग से शादी की चौरानवे इस जोड़े ने 2006 में कुछ समय के लिए डेट किया था फिर 2012 में अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया पंचानवे लीटर की पत्नी ने 31 मार्च 2015 को अपने बच्चे एक बेटे ली जून हूं को जन्म दिया छियानवे चार अगस्त को 2023 ली की पत्नी ने पुष्टि की कि वह अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है उन्होंने अपने दूसरे बच्चे एक बेटी के जन्म का स्वागत किया जिसका जन्म 21 दिसंबर 2023 को हुआ सत्तानवे अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ कर्ज चुकाने के बाद ली अवसाद में आ गए इसके बाद उन्हें घबराहट संबंधी विकार होने लगे और पुरस्कार समारोहों में भाग लेना मुश्किल हो गया ली अपनी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से उबरने में मदद करने का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं अट्ठानवे दीवानी मुकदमा और जुए के आरोप नौ दिसंबर 2009 को ली की पूर्व प्रेमिका क्वोन मी योन ने एक नागरिक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे शादी के वादे के आधार पर स्टार के साथ यौन संबंध बनाने के लिए धोखा दिया गया था उसने दावा किया कि ली ने उसे मानसिक पीड़ा और शारीरिक क्षति पहुंचाई साथ ही दावा किया कि ली एक पुराना जुआरी है और उसने 100 मिलियन जीते का मुकदमा किया है ली की एजेंसी बीएच एंटरटेनमेंट ने प्रतिवाद किया कि उनके सभी दावे झूठे थे और ब्रेकअप के कारण मुकदमा प्रतिशोधात्मक प्रकृति का था ली ने मानहानि और जबरन वसूली के लिए क्वोन पर प्रतिवाद किया निन्यानवे एक सौ मुकदमा दायर होने के कुछ ही समय बाद टीवी शो होस्टकांग ब्यूंग क्यू टीवी नाटक आयरिस के सेट पर दिखाई दिए जिस पर ली उस समय काम कर रहे थे उन पर गैंगस्टरों को लाने और एक निर्माता के साथ संघर्ष के कारण अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया था उन्होंने दावा किया कि अफवाहें फैलाई गई कि ली और कोन के बीच झगड़े के पीछे काम का हाथ था इस घटना के कारण कांग को हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कांग को बाद में ब्लैकमेल और मानहानि के आरोप में भी दोषी ठहराया गया था अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2009 में कांग और कोन ने ली को बड़ी रकम के लिए ब्लैकमेल करने के लिए मिलीभगत की थी इससे पहले कि ली ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था दिसंबर में कोन ने अपना नागरिक मुकदमा दायर किया था एक सौ एक सौ दो उन्नीस मार्च 2010 को अभियोजकों द्वारा कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए ली को अवैध जुए के आरोप से मुक्त कर दिया गया 103 कार्यवाही में भागीदारी की कमी के कारण कोन का नुकसान का दावा अंत अगस्त 2010 में रद्द कर दिया गया 104 काम को अंततः धोखाधड़ी और हमले के आरोप में 2013 में एक साल की जेल और तीन साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई 105 ब्लैकमेल कांड तो दोस्तों आज के स्टूडियो में हमने इस जबरदस्त मुंबई के बारे में बात करी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बराय मेनु बाकी चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में